हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज का वीडियो होगा बहुत ही कमाल धमाल और लाजवाब, क्योंकि हमारे पास है तो ज्ञान 356 एम रूबिक्स क्यूब, एक जो पहले से ही मैंने बहुत टाइम से यूज किया है और एक है ब्रांड न्यू। तो इसका आज अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे पहले वाला के साथ कंपेयर करके कि नया वाला कैसा परफॉर्म करता है, पहले वाला अभी कैसा कंडीशन में है। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्यूब का अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे इन दोनों की एन क्यूब्स का। तो चलिए इसका कवर को हटाते हैं और इन्हें साइड में रखते हैं। और ये रहा हमारा, ये है पहले से यूज किया हुआ लगभग 1 ईयर, और ये है ब्रांड न्यू जिसे हमने एक बार भी यूज नहीं किया। तो पहले हम लोग ब्रांड न्यू क्यूब को निकालते हैं, इसे साइड में रखते हैं। और ये रहा हमारा ब्रांड न्यू ज्ञान 356 एम रूबिक्स क्यूब। ये है हमारा, यहाँ पर दिया गया है प्ले स्टेस क्यूब स्टेशन के थ्रू कोई कोड दिया गया है जिससे हम क्यूब स्टेशन में ट्यूटोरियल, बिगनर्स ट्यूटोरियल के बारे में कुछ जान पाएंगे और रूब्स क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीख पाएंगे। तो इसे स्क्रैच करने के बाद हम लोग कोड को ले पाएंगे। और मैं आप लोगों के लिए कोड का भी स्क्रैच कर देता हूँ, आप इसी का यूज करके आप लोग क्यूब स्टेशन से प्रीमियम मेंबरशिप के थ्रू यूज कर पाएंगे कंटेंट, ट्यूटोरियल फ्री में पा जाएंगे। मेरा कोड आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, ये रहा 69438721255, ये रहा क्यूब स्टेशन का कोड। तो इसे साइड में रखते हैं और इसको निकालते हैं, क्यूब को लास्ट में निकालते हैं। इस पाउच में कुछ है, हमारा बॉक्स में कुछ है, इसमें है एक पाउच है, इसे खोलते हैं। और इस पाउच में आप क्यूब को रख के अच्छे से उसे धूल और मिट्टी से बचा पाएंगे जिससे आपका क्यूब साफ रहेगा और सेफ रहेगा। एक गैन का पाउच है ब्लू कलर जो स्टैंडर्ड कलर है, तो इसे भी साइड में रखते हैं। और अभी है हमारे पास इसमें कुछ है, और इसमें है अभी एक गैन के थ्रू ट्यूटोरियल है कि जिसमें आपको एल्गोरिदम और एल्गोरिदम्स देखने को मिलेंगे। तो इसे भी साइड में रखते हैं, सीफो का ट्यूटोरियल या फिर इसमें बिगिनर्स का हो सकता है, तो इसे भी साइड में रखते हैं। और अभी जाके रहा हमारा मेन क्यूब गैन 356 एम। तो ये ब्रांड न्यू बॉक्स में है, आप जैसे कि देख सकते हैं भीतर में एक प्लास्टिक का रैपर भी है। और यह रहा ज्ञान का लोगो, ये रहा हमारा ज्ञान का लोगो। तभी हम इस क्यूब को बॉक्स से निकालते हैं, यहाँ पर एक लॉक है, इसको आप प्रेस ऐसे करेंगे तो क्यूब बाहर आ जाएगा। और ये रहा हमारा ज्ञान का न्यू क्यूब, ब्रांड न्यू क्यूब, यहाँ पर ज्ञान का लोगो है। और इस रैपर को अभी हम हटाएंगे प्लास्टिक को, तो इसे इधर से खोलते हैं। तो ये रहा हमारा ब्रांड न्यू ज्ञान का क्यूब रूबिक्स क्यूब, जिस यहाँ पर आप ब्लू कलर का गैन का लोगो दिया है। और ये पहले से ही मैंने ल्यूब सर्विस करवाया है जिसके लिए 200 रुपये मुझे कॉस्ट पड़ा था, इसलिए आप इसमें ल्यूब देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ल्यूब दिखाई पर दे रहा है। और ये हमारा रहा गैन क्यूब, और ये ब्रांड न्यू क्यूब है इसलिए बहुत ही फास्ट काम कर रहा है, मूव कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये रहा हमारा ब्रांड न्यू कैन का रूबिक्स क्यूब 356 एम। और इसमें आपको यहाँ पर मैग्नेट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर एक मैग्नेट है, यहाँ पर और यहाँ पर और इधर भी है, मतलब तीनों लेयर में चार चार करके 12 मैग्नेट्स हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और इसमें अच्छी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारा क्यूब अगर यहाँ से आप इसे थोड़ा सा पुश करेंगे तो यहाँ पर जाके ये चिपक जाएगा और एक दूसरी लेयर के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी ये तो बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है, ब्रांड न्यू क्यूब है, इसे
इसमें कोई भी लेयर में ऐसे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा है, कोई भी जाम नहीं लग रहा है, अच्छे से मूव हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं अगर लेयर को सेंटर के आधे में रखूं फिर भी ये मूव हो रहा है। तो चलिए इस क्यूब को साइड में रखते हैं और देखते हैं हमारा पुराना वाला ज्ञान का सेम क्यूब 355 6 mm क्यूब कैसा है। तो इसे अभी बॉक्स में रैपर को फेंक देते हैं, बाद में फेंकेंगे। इसे हम बॉक्स में रखते हैं और इसे पाउच को साइड में इसे बॉक्स में रख देते हैं। और यह रहा इसका बॉक्स। और अभी हम देखेंगे पुराना वाला हमारा क्यूब, पुराना वाला क्यूब कैसे काम करता है, क्या वो नए वाले को टक्कर दे पाता है। तो ये रहा हमारा पुराना वाला, बॉक्स भी थोड़ा पुराना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि क्यूब को देख के आप पुराना लगेगा, और यहाँ पर गेन का लोगो भी थोड़ा थोड़ा मिट चुका है, थोड़ा थोड़ा है सिर्फ। तो ये भी क्यूब अभी अच्छे से मूव हो रहा है, हालांकि इसका एक साल यूज में नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि गेन कंपनी अपनी क्यूब्स को कितने अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर करती है ताकि वो सालों साल अच्छे से काम कर सके, इसलिए इसका प्राइस भी है 2500 के आसपास। तो ये क्यूब और उस नए वाले क्यूब में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और मैं अच्छे से कहूँ तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि दोनों क्यूब अच्छे से मूव हो रहे हैं, कोई भी यहाँ पर लेयर ब्रेकिंग नहीं है जैसे कि हम देख सकते हैं। सिर्फ इसमें थोड़ा सा रुक रहा है और नए वाले में नहीं, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी टाइम्स लीव यूज नहीं किया, लीव यूज करने के बाद नए जैसा काम करेगा। तो अभी हम लोग पाउच में एक बार रख के दिखाएंगे आपको पाउच में कैसे रखते हैं। तो यह रहा हमारा पाउच, तो भी नया है पाउच। तो इसमें अभी हम क्यूब को कैसे रखते हैं चलिए देखते हैं। आपको क्यूब को पाउच में से घुसाना है और इसे ऐसे मजबूती से खींच कर ऐसे आप कैरी करके अच्छे से ले जा सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आप लोगों को एक बार दोनों नया और पुराना क्यूब एक साथ दिखा देते हैं। चलिए यह रहा हमारा पुराना क्यूब और यह रहा हमारा नया क्यूब। तो आपको साफ साफ डिफरेंस दिखाई हो दे रहा होगा, इसका कलर थोड़ा अच्छे से दिखाई पड़ रहा है और ये थोड़ा पुराना से दिख रहा है, बॉक्स में भी डिफरेंस आपको दिख रहा ही होगा। तो एक साथ इन दोनों को मूव करते हैं चलिए। अब देख रहे होंगे कि इन दोनों क्यूब में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियोस में और कुछ एक्सपेरिमेंट्स शॉर्ट वीडियोस के साथ। तो अब आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सपोर्ट आपका बहुत ही ज़रूरी है चैनल को ग्रो करने के लिए और इसे हिंदुस्तान का एक नंबर वन यूट्यूब क्यूबिंग चैनल बनाने के लिए। तो चलिए अभी गुड बाय, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद। Like, share, subscribe, please.